हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि डेजॉय में साइनअप कैसे करें या डेजॉय में अपनी आईडी कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, इसमें आईडी लगाने के लिए फ्री साइनअप है, फ्री रजिस्ट्रेशन करके आप यहां पर रख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करोगे तो काफ़ी अच्छी इनकम आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ पर आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोफिल होएगा। आपको यहाँ पे बस सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास ये सारी फॉर्म भरने के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये वाला पेज ओपन होएगा, इसमें देखिएगा जो भी मैंडेटरी फील्ड होती है उसमें देखिए रेड कलर का ये मार्क लगा होगा, और जो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है उसका ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बाद में आप इसको फिल कर सकते हो। जैसे अभी हम आते हैं, आपको ये भरना होगा डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर नेम के आगे आप कौन हो, आप यहाँ पर मतलब चूज़ कर सकते हो मिस्टर मिसेस। यहाँ पर आप अपना नाम भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है सन ऑफ, डी ओ का मतलब है डॉटर ऑफ, डब्ल्यू ओ का मतलब है वाइफ ऑफ, तो मैं सन ऑफ भरूंगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, जो भी आप भरना चाहो इसको हटा के भर सकते हो। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से अपना जेंडर चूज़ करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ कीजिएगा, सिटी कौन सा आपका वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालिएगा अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो पूछ रहा है फ़ोन नंबर, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास एक ही नंबर है तो यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा, वहाँ पे मत डालिएगा। एक्स वाई जेड आपका जो भी नंबर हो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है आपसे, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स, विडो, जो भी है आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं सिंगल चूज़ करती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिएगा, और प्रोफेशन क्या है आपका वो यहाँ आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं चूज़ कर लेती हूँ स्टूडेंट। उसके बाद पूछ रहा है को एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पर नॉमिनी नेम डालना है, मतलब आपके बाद पैसा किसको मिलेगा, आपको यहाँ पर उसका नाम देना होगा। अभी मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर ये चूज़ करना है कि आपका उस नॉमिनी से क्या रिलेशन है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिएगा और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। ये है बैंकिंग इंफॉर्मेशन। बैंकिंग इंफॉर्मेशन में आपसे मांग रहा है KY, IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, और इसके अलावा पैन नंबर। तो आप ये अभी भी अपडेट कर सकते हो या फिर बाद में भी आप चाहो तो अपडेट्स को कर सकते हो। ये अभी कंपलसरी नहीं है कि आप इसको अभी अपडेट करो, तो मैं इसको बाद में अपडेट कर दूँगी। बाकी ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना ज़रूरी है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेव का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कर दीजिएगा ओके पे क्लिक। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा पूरी और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, ये देख लीजिए ये आपके पास आ गया मैसेज। यहाँ पर लिखा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इज़ ये। ये जो आईडी लिखी आ रही है आपकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आप इसी आईडी से लॉगिन कर पाओगे। तो आप ये आईडी कहीं नोट करके रख लीजिए, या फिर आपने जो नंबर दिया है यहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए आपके उस नंबर पर भी मैसेज चला जाएगा। बट
कई बार होता है कि जिन लोगों ने वो नंबर दिया होता है, जिस नंबर पे मैसेज जाना होता है, वो नंबर उनका रिचार्ज नहीं होता, तो मैसेज कई बार नहीं जा पाता है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कहीं पर, जिसकी वजह से मतलब आपसे ये लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो आप इसका बाद में मतलब इसी के कारण ये लॉगिन हो पाएगा। अनदर वे ये भी है कि आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो कि मैम मेरा मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड खो गया, या फिर पासवर्ड नहीं रिसीव हुआ है, या आईडी भी नहीं हो आपके पास, तब भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर आपका पासवर्ड भी आ गया है, लॉगिन आईडी भी आ गई है, अब आप इसको लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपकी आईडी बन जाएगी। इसके अलावा लॉगिन कैसे करते हैं वो भी आपको बता देती हूँ मैं इस वीडियो में। जैसे देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आ रहा है ना यूज़र लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। यूज़र लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी पूछ रहा है, तो आपने अभी जो मैसेज आया था उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी थी, वही आप यहाँ पर डालिए। डीजे करके जो भी आपकी आईडी थी वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद 10 करके कोई आईडी थी वो मुझे याद नहीं है। इसके अलावा पासवर्ड जो था आप यहाँ पर डालिए पासवर्ड। उसके बाद जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके से आईडी बनती है इसमें, और ये बाइनरी भी है इसमें इनकम प्लान। तो आप कोशिश कीजिए मतलब जल्दी से जल्दी इसमें साइन अप करने की, क्योंकि जो भी आईडी आएगी वो उसके नीचे की नीचे की नीचे जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।